तो मेरे मिस्त्री दोस्तों, हमारा जो ये मैग्नेट है, मैग्नेट से ऑयल लीकेज होता है और बहुत सारे ऑयल कवर में पड़ा हुआ है और इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी है। इसलिए इसको पहले हम इसका जो ऑयल सील है, मैग्नेट ऑयल सील, इसको चेंज करेंगे। उसके बाद इसका जो पिकअप ऑयल है, इसको हम लोग चेक करेंगे, ये ख़राब है या सही है। गाड़ी में बहुत सारे स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं और इसीलिए इसको हम पहले मैग्नेट को खोलेंगे और पिकअप ऑयल को टेस्ट करेंगे, जे ये सही है या ख़राब है। तो पहले हम लोग ये 14 नंबर का जो नाट है, इसको खोलेंगे, उसके बाद पुलर की मदद से मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। उसके बाद चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मैग्नेट पुलर है, इसको हम लोग मैग्नेट में फंसाएंगे और एक मार्टल की मदद से हम लोग थोड़ा पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल आएगा। पहले इसको हम फंसा लेते हैं। तो मेरा मिस्त्री दोस्तों, ये पुलर मेरा सेटिंग हो गया, इसको अभी हम पांच करने से ये निकल जाएगा। हमारा मैग्नेट भी ओपन हो गया अभी। मिस्त्री दोस्तों, इसको ऑयल सील लगाने के लिए और ये पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए हम इसको पहले खोल लेंगे, उसके बाद इसको ऑयल सील लगाएंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे। तो पहले इसको खोलने के लिए आप यहाँ पे एक स्क्रू और यहाँ पे एक स्क्रू है, ये दोनों को खोलना पड़ेगा। तो हम पंचिंग की मदद से इसको हम पहले खोल लेते हैं। और ये हमारा दोनों स्क्रू ही खुल गया। न्यूट्रल लाइन है, इसका वायर को भी हम खोल लेंगे यहाँ से। और इसका इंजन ऑयल जो है, इसको भी हम ड्रेन कर देंगे। और ये हमारा मोबिल भी ड्रेन हो गया और इसको हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से धीरे धीरे करके निकाल लेंगे अभी। और ये हमारा मैग्नेट कॉइल भी खोल गया। दोस्तों, ये टाइमिंग चेन है और इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। अभी हम जो कॉइल है, कॉइल की वीडियो बनाएंगे। और ये ऑयल सील है, इसको हम चेंज करेंगे। और इस गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसको पहले हम इसको चेक करेंगे, जो पिकअप कॉइल है ये सही है या ख़राब है। तो इसीलिए हम मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करेंगे और इसका जो ऑयल सील है, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे अभी। और ये पिकअप ऑयल पहली बार खोल रहा है, इसीलिए बहुत जाम है। इसको धीरे धीरे करके खोल लेंगे, क्योंकि ये पहली बार स्टार्टिंग प्रॉब्लम आया गाड़ी में। और ये तो स्प्लेंडर गाड़ी है, बहुत अच्छा गाड़ी है, ये तो बहुत अच्छा चलता है। देखिए, इसका जो मैग्नेट है यहाँ पर और ये पिकअप ऑयल है, ये बहुत घिस गया, बहुत ज़्यादा घिस गया। और हम ये नया पिकअप कॉइल भी लेके आया, अगर ये ख़राब है तो हम नया लगा देंगे। ये पिकअप कॉइल के ऊपर से ऐसे चला जाएगा ऐसे, और ये लाइन को हम बॉडी में लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे बॉडी में। और इसको टाइट कर देंगे अभी। इसको भी फुल टाइट करेंगे। और इस साइड में इसका ऑयल सील है, ऑयल सील को हम निकाल लेंगे पहले। ये ऑयल सील से बहुत सारे मोबिल लीकेज होता है। और ये हमारा ऑयल सील भी निकल गया, इसको हम नया लगाएंगे, क्योंकि ये लीकेज होता है और मैग्नेट साइड में बहुत सारे मोबिल आ जाता है। देखिए, और साइड स्टैंड करने से ये मोबिल नीचे गिरता है, तो इसके इस ऑयल सील को हम चेंज कर देंगे अभी। तो मेरा मिस्त्री दोस्तों,
ये नया एवेल सील को हम यहाँ पे बैठा देंगे अभी। देखिए दोस्तों, हमारा ये नया एवेल सील भी बैठ गया, और ये जो गम है ये लगा देंगे क्योंकि साइड से वेल लीकेज ना करे, इसीलिए हम इसको लगाएंगे। इसी बोन को थोड़ा लगा देंगे अभी। तो मेरे मिस्त्री दोस्तों, ये सेंटर दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रू सेटिंग नहीं होगा। और हमारा ये सेंटर एडजस्ट हो चुके हैं, और इसको हम अभी टाइट कर देंगे अभी। तो मेरे मिस्त्री दोस्तों, हमारा दोनों स्क्रू टाइट हो चुके हैं, और इसका जो न्यूट्रल लाइन है इसको भी हम सेटिंग कर देंगे अभी। हमारा ये न्यूट्रल लाइन भी सेटिंग हो गया है। मैग्नेट को अभी सेटिंग करेंगे, और मैग्नेट को सेटिंग करने के लिए ये जो सेंटर है और इसमें मैग्नेट लॉक लगा हुआ है, ये सेंटर को आपको मिलाना पड़ेगा। ये सेंटर को मिला के पुश करने से सेटिंग हो जाएगा, तो सेटिंग करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमारा मैग्नेट भी सेटिंग हो गया, और इसको हम टाइट कर देंगे। ये 14 नंबर के जो बोल्ट है इसको हम लगा देंगे और टाइट कर देंगे। और हमारा ये मैग्नेट भी टाइट हो गया अभी। मैग्नेट भी हमारा टाइट हो गया, और इसमें अभी हम इंजन ऑयल डालेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो मेरे मिस्त्री दोस्तों, हमारा ये मैग्नेट सेटिंग हो गया, और इसका जो पिकअप कॉइल है ये भी हम नया लगा दिया, और इसमें जो वेल सील है वो भी हम नया लगा दिया। तो अभी हम इसको इंजन ऑयल को डालेंगे, और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे जो इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इंजन ऑयल को डालते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा गाड़ी जो है ये फुल फिटिंग हो गया, और ये ऑयल भी लीकेज नहीं हो रहा है, पूरा ड्राई हुआ है, अभी पूरा ड्राई पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको जो इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। हमारा इग्निशन ऑन हो गया, अभी देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया, एक किक में स्टार्ट हो गया, और एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी इग्निशन को ऑन कर दिया, देखिए। दोस्तों देखिए, हमारा जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया, और इसका जो ऑयल लीकेज हो रहा था वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए अभी कोई ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।